हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मिशन गवर्नमेंट जॉब में। जैसा कि हमने आवर्त सारणी में पढ़ा है, आवर्त सारणी को मुख्य तीन भागों में बांटा गया है, धातु, उपधातु तथा अधातु। इस पार्ट में हम धातुओं के भौतिक गुणधर्म तथा अधातुओं के भौतिक गुणधर्म के बारे में पढ़ेंगे। भौतिक यानी कि फिजिकली उनकी प्रॉपर्टी क्या क्या होती हैं। तो पहला हम स्टार्ट करते हैं धातुओं के भौतिक गुणधर्म। पहला पॉइंट है हमारे पास, धातु अपने शुद्ध रूप में चमकदार होती है, ये कठोर होती हैं। धातुओं को पीट कर पतली चादर बनाया जा सकता है। धातुओं के इस गुण को आघात वर्ध्यता कहते हैं। नेक्स्ट चौथा पॉइंट है अपने पास, धातुओं को खींच कर तार के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। धातुओं के इस गुण को तन्यता कहते हैं। धातुओं के इस गुण का एग्जाम्पल है पॉइंट नंबर 6 में, 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबी तार बनाई जा सकती है। नेक्स्ट पांचवा पॉइंट है, धातुएं ऊष्मा के सुचालक होते हैं, लेकिन इसी पॉइंट में अपवाद भी आ जाता है, इसलिए पांचवें पॉइंट के नीचे 2 सब पॉइंट दिए गए हैं। पहला पॉइंट है, सिल्वर और कॉपर ऊष्मा के सबसे अच्छे चालक होते हैं, परंतु सेकंड पॉइंट है इसका, लेड और मरकरी ऊष्मा के कुचालक हैं। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 7, धातुएं विद्युत की सुचालक होती है। हम सब जानते हैं धातुओं में से इलेक्ट्रिसिटी बड़ी आसानी से पास की जा सकती है। और लास्ट पॉइंट है हमारे पास, धातुएं द्वानिक होती हैं। द्वानिक का मीनिंग होता है जब धातुओं को किसी ठोस सतह से टकराया जाता है तो ये ध्वनि उत्पन्न करती हैं। नेक्स्ट है अधातुओं के भौतिक गुणधर्म। अधातुओं का पहला पॉइंट है, एकमात्र ब्रोमीन ही ऐसी अधातु है जो लिक्विड यानी द्रव रूप में पाई जाती है। इसके अलावा सभी अधातुएं या तो ठोस या फिर गैस अवस्था में होती है। जब इनको खींचा जाता है तो अधातुएं टूट जाती हैं। तीसरा पॉइंट है, अधातुएं ऊष्मा तथा विद्युत के कुचालक होते हैं। पॉइंट नंबर 4 है, अधातुओं को पॉलिश नहीं किया जा सकता। पॉइंट नंबर 5 है, ये अद्वानिक होती हैं। पॉइंट नंबर 6 है, इसका गलनांक तथा कवथनांक धातुओं की तुलना में कम होता है। और धातुएं तथा अधातुएं सिर्फ भौतिक गुणों के आधार पर विभाजित नहीं की जा सकती। क्यों? क्योंकि इनके अंदर कुछ एक अपवाद पाए जाते हैं। जैसे पॉइंट नंबर 1, मरकरी को छोड़कर सभी धातुएं कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में पाई जाती हैं, यानी सिर्फ मरकरी एक ऐसी मेटल है जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है। सेकंड पॉइंट है, सभी धातुओं का गलनांक अधिक होता है, परंतु गैलियम और सीजियम का गलनांक बहुत कम होता है। यदि इनको हथेली पर रखा जाए तो ये पिघलने लगती हैं। पॉइंट नंबर 3 है, आयोडीन अधातु होते हुए भी चमकीला होता है, जबकि ये गुण तो हमने धातुओं में पढ़ा था कि धातुएं चमकदार होती हैं, लेकिन यहाँ पे आयोडीन अधातु है फिर भी चमकदार या चमकीला होता है। पॉइंट नंबर 4 है, कार्बन, जिसके बारे में हम सब जानते हैं, कार्बन एक अधातु है जो विभिन्न रूपों में पाई जाती है। प्रत्येक रूप को कार्बन का अपरूप कहते हैं। पहला एग्जांपल है हमारे पास हीरा। हीरा कार्बन का अपरूप है, सभी जानते हैं। यह सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ भी है। इसका गलनांक तथा कवथनांक बहुत अधिक होता है। और दूसरा अपवाद है कार्बन का ही, ग्रेफाइट। वैसे तो हमें पता है कि जो अधातु होती हैं वो विद्युत का कुचालक होती हैं, परंतु ग्रेफाइट क्या होता है, कार्बन का अपरूप यानी कि एक अधातु है, फिर भी इसमें से विद्युत
पास होती है, यानी ग्रेफाइट में से इलेक्ट्रिसिटी बहुत आसानी से पास होती है। जैसे कि हमारे पास रेडियो सेल होते हैं, इनके बीच में जो रोड डाली होती है ब्लैक कलर की, वो ग्रेफाइट ही होती है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास क्षारीय धातु, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, इतनी मुलायम होती है कि इनको चाकू से भी काटा जा सकता है। इनके गंतव और गलनांक कम होते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू।